मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ड्रग डीलर को देखते हैं, जो कि एक ड्रग लोगों को फ्री में दे रहा था, क्योंकि उसे बनाने वाले लोग इस ड्रग को टेस्ट करना चाहते थे, जिसके कारण उनके शहर में धीरे धीरे क्राइम बढ़ने लगा था, क्योंकि इस गोली को खाते ही लोगों के अंदर 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स आ जाती थी और वो जो चाहे वो कर पाते थे, जो कि कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद हम रॉबिन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि उसी सुपर पावर वाली ड्रग को बेच रही थी, लेकिन कुछ लोग उसे ही लूटने लगे थे। पर सही समय पर वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसका नाम फ्रैंक था। वो रॉबिन को अरेस्ट कर लेता है और बाकी लोगों को वहाँ से भगा देता है और वहाँ से उसे बचाकर निकाल लेता है। असल में फ्रैंक रॉबिन का ही दोस्त था और फ्रैंक भी उससे ड्रग लिया करता था, ताकि वो इससे शहर में हो रहे क्राइम को रोक सके। नेक्स्ट सीन में हम एक आर्मी सोल्जर को देखते हैं, जिसका नाम आद था, जो कि बिकी नाम के आदमी को ढूंढ रहा था, जिसके लिए वो एक घर में घुस जाता है और उसे देखते ही अंदर बैठा आदमी वही सुपर पावर वाली ड्रग की गोली खा जाता है और उसकी बॉडी अचानक से जलने लगती है। उन दोनों में काफी फाइट होती है, लेकिन ड्रग के ओवरडोज से वो खुद फट जाता है और वही उसकी डेथ हो जाती है। उस आदमी के पास से आर्ट को एक फोन मिलता है, जिसमें रॉबिन का नंबर उसे मिलता है। असल में ये ड्रग डीलर और रॉबिन दोनों ही भाई बहन थे, जो कि मिलकर शहर में इस ड्रग को सप्लाई किया करते थे। दूसरी तरफ फ्रैंक भी सुपर पावर वाली गोली खाकर बैंक में जाता है, जहां एक चोर ड्रग खाकर गिरगिट जैसी शक्तियों से छुपा हुआ था, पर फ्रैंक उसे देख लेता है। पर वो बहुत तेजी से भाग रहा था और वो फ्रैंक से बचकर बस में घुस जाता है। हालांकि बैग में पेंट रखा था, जो उसके पूरे जिस्म पर लग जाता है, जिससे वो कहीं छुप नहीं पाता, और फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। पर वो फ्रैंक पर फायर कर देता है, पर वो गोली उसे नहीं लगती और फ्रैंक उसे गिरफ्तार कर लेता है। पर उसके सीनियर को पता चल गया था कि फ्रैंक ने भी उसी सुपर पावर वाले ड्रग को लिया है, इसीलिए वो फ्रैंक को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि ये सब इल्लीगल था। पर फ्रैंक उससे कहता है कि हम ऐसे उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि बिना सुपर पावर्स के उन्हें हरा पाना नामुमकिन है। इसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए। कुछ हद तक उसे भी फ्रैंक की बातें सच लगती है और वो सीनियर ऑफिसर फ्रैंक को तब एक आदमी की फोटो देता है और उससे कहता है कि इस सब के पीछे इसी आदमी का हाथ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही मिलिट्री सोल्जर था, जो कि उन सुपर पावर वाले ड्रग डीलर्स के पीछे पड़ा था। दूसरी तरफ आर्ट ने रॉबिन को उसके भाई के फोन से मैसेज करके धोखे से बुला लिया था और उसे अकेले देखकर आर्ट किडनैप कर लेता है। वो रॉबिन से बिकी नाम के आदमी के बारे में भी पूछता है, पर रॉबिन को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और वो ये ड्रग का काम भी बस अपनी बीमार माँ के लिए ही किया करती थी। लेकिन उसके भाई ने उसे एक नंबर दिया था और कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इस नंबर पर कॉल कर देना। जब रॉबिन उस नंबर पर कॉल करती है, तब उसे एक जगह पर बुलाया जाता है, जहां आर्ट रॉबिन को लेकर वहां पहुंच जाता है और रॉबिन को वो किसी बलि के बकरे की तरह यूज कर रहा था। रॉबिन अंदर जाकर वहां बताती है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है और वो बाहर खड़ा है, जिसके बाद अंदर बैठा आदमी भी सुपर पावर वाली गोली खाकर उसे मारने निकल पड़ता है और इसी हाथापाई में बाहर आर्ट को गोली लग जाती है। रॉबिन जिससे मौका देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो रॉबिन को पकड़ लेता है। आर्ट बुरी तरह से घायल था, इसीलिए वो रॉबिन से मदद मांगता है। जब रॉबिन को पता चलता है कि आर्ट अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, तब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो आर्ट को लगी गोलियां निकाल लेती है और उसे दवाई भी देती है। आर्ट उसे बताता है कि वो पहले आर्मी के लिए काम किया करता था, लेकिन वहां पर उस पर एक्सपेरिमेंट करके ये ड्रग उसमें पहले इजेक्ट कर दी गई थी, लेकिन वो इससे मरते मरते बच गया। पर कुछ सालों बाद जब उसकी बेटी पैदा हुई, तो उसमें भी यही सभी सुपर पावर आ गई थी, जो कि शायद उसके डीएनए में चेंजेस के वजह से आ गई होगी, और उन लोगों ने आर्ट की बेटी को एक्सपेरिमेंट के लिए किडनैप कर लिया था, इसीलिए वो इन ड्रग्स के सप्लायर्स के जरिए अपनी बेटी तक पहुंचना चाहता था। आर्ट रॉबिन से भी पूछता है कि तुम ये काम आखिर क्यों कर रही हो, तुम तो आखिर एक छोटी बच्ची हो। तब वो बताती है कि उसकी माँ काफी बीमार है, जिसके इलाज के लिए उसे काफी सारे पैसों की जरूरत है, इसलिए मजबूरी में वो ये काम करती है। नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि वही सुपर पावर वाली गोली लेने के लिए रॉबिन के घर आया था। वहाँ कुछ लोग आकर रॉबिन के बारे में पूछताछ कर रहे थे, पर वो उन्हें वहाँ से बहाना बनाकर भगा देता है और चुपके से उनका पीछा करने लगता है और एक होटल की पार्किंग में आ जाता है, जहाँ रॉबिन भी थी।
क्योंकि वही उस ड्रग की एक बड़ी डील होने वाली थी। आग जब अंदर जाता है तब वहाँ उसे बिकी भी मिल जाता है, जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रहा था। उन्हें बिकी ड्रग का नमूना दिखाने के लिए एक लड़की को उस सुपर पावर वाली ड्रग की गोली देता है, जिसे खाते ही उस लड़की में आइस की पावर आ जाती है। वो अपने कस्टमर्स को बताता है कि उसके पास अलग अलग पावर्स की कई सारी गोलियां हैं, लेकिन मौका देखते ही उसे आग पकड़ लेता है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है। लेकिन इसी बीच वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है और वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं। वही जिस लड़की पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो भी ड्रग के ओवरडोज से बर्फ का पुतला बन जाती है। आर्ट बिकी से पूछताछ कर ही रहा था कि तभी वहाँ फ्रैंक आ टपकता है और मौका पाकर बिकी भी एक गोली खा जाता है और उसकी बॉडी अचानक बड़ी हो जाती है और वो इन दोनों को मारने लग जाता है, पर आर्ट उस बिल्डिंग में ब्लास्ट करके बिकी को ही मार डालता है। इसके बाद फ्रैंक आर्ट को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। तब रास्ते में आर्ट उसे बताता है कि उसका सीनियर भी इस सब में मिला हुआ है। फ्रैंक को उस पर यकीन नहीं आ रहा था, पर तभी वहाँ कुछ लोग हथियारों से लैस होकर उनका पीछा करने लगते हैं, जिससे उसे आर्ट पर यकीन आ जाता है कि वो सच कह रहा है। जहाँ वो लोग आर्ट को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जो कि काटना नाम की एक लेडी थी जिसने ही इस सुपर पावर वाली ड्रग की खोज की थी और वो आर्ट की बेटी के DNA से ही उस ड्रग को बना रही थी। वही रोबिन वहां तक चुपके से पहुंच गई थी और फ्रैंक भी एक गोली खाकर सभी को मारते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंच गया था, जहां से वो सभी को देख सकते थे। वहां रोबिन रुक जाती है, पर जल्द ही वहां पर मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि अंदर कोई घुस गया है। फ्रैंक भी धीरे धीरे सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, जिन्हें खत्म कर पाना जरा मुश्किल ही था। किसी तरह आर्ट वहां से निकलकर फ्रैंक तक पहुंच जाता है और वो दोनों मिलकर आर्ट की बेटी ट्रेसी को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ रोबिन ट्रेसी तक पहुंच गई थी और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो असल में एक शिप पर थे, जहां बाहर आकर आर्ट अपनी बेटी को देखकर उसे गले लगा लेता है। वहां और भी ज्यादा सुपर पावर वाले लोग आ जाते हैं, जिनका मुकाबला आर्ट अकेले करने लगता है और उन्हें यहां से बाहर निकलने को कहता है। वो सभी किसी तरह रेस्क्यू बोट तक पहुंच गए थे, लेकिन रोबिन को उन लोगों ने पकड़ लिया था और उसे बचाने के लिए आर्ट अकेले वापस चला जाता है, क्योंकि वो उसे भी अपनी बेटी की तरह ही मानता था। आर्ट उनके सामने जाकर काटना से रोबिन को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो कोई भी सौदा करने के मूड में नहीं थी, जिसके बाद आर्ट अपने मुंह में रखी सुपर पावर वाली गोली को खा जाता है और उसमें साउंड को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोगों के वो चिथड़े उड़ा देता है। हालांकि इसका इफेक्ट रोबिन पर कुछ भी नहीं होता, पर आर्ट की ओवरडोज से मौत हो जाती है। तब आर्ट की बेटी उसके पास आती है। ट्रेसी के पास मरे हुए लोगों को जिंदा करने की पावर थी, जिससे वो अपने फादर को दोबारा जिंदा कर देती है और वो सभी मिलकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि इस सुपर पावर वाले ड्रग्स को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन पर निकल पड़ता है और आर्ट अपनी बेटी ट्रेसी के साथ उस शहर को छोड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ता है। पर जाने से पहले आर्ट रॉबिन को एक पैसों से भरा हुआ बैग भी देता है, जिससे वो अपनी माँ का इलाज कर सके। और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।